सारे ही विद्यार्थियों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए राजस्थान बोर्ड जमात 12वीं संत राम उदासी दी अगली रचना सीरी ते जट दी सांझी विथिया दे नां। ए एक प्रकार दी कहानी जी है भाई, एक जट ते सीरी दी। जट ते उस दा सीरी दोनों ही पहला किदा प्यार मुहब्बत नाल रहिंदे सीगे, होर चंगी मेहनत की परंतु फिर भी पल्ले कुछ ना पिया। उस समय का माहौल ऐसा सीगा भाई, शोषण करने वाले जिहड़े बंदे सीगे लोटू जमात, उन्होंने लुट लुट के पल्ले कुछ नहीं बचण देंदे सी भाई। उस नूं ध्यान च रखते हुए आ रचना है संत राम उदासी दी। गल लग के सीरी दे जट रोवे, बोलां विच्चों नीर वगया, जिहड़े आ बोल हुंदा है इहदा अर्थ हुंदा दाणियां दी ढेरी। लिया तंगली नसीबां नूं फरोलीए, तूड़ी विच्चों पुत जगया। हुण सब तो पहला तां इहदे प्रसंग की गल कर लैंदे आ, फिर व्याख्या की गल करांगे। एक एक सत्र की व्याख्या करांगे भाई। प्रसंग यह काव्य पंक्तियां साड़ी पंजाबी दी पाठ पुस्तक पंजाबी साहित्य दर्पण भाग दूजा विच दर्ज संत राम उदासी दी रचना सीरी ते जट दी सांझी विथिया दे नां विच्चों लईयां गईयां हन। इस रचना विच एक गरीब किसान दी गरीबी ते कंगाली भरी जिंदगी नूं बयान कीता गया है। व्याख्या गल लग के सीरी दे जट रोवे, होया कि कवि कहिंदा है कि सारा सार मेहनत करके भी, बहुत मेहनत करन दे बावजूद भी जदों जट मजदूर किसान अते उसदे सीरी दे पल्ले कुछ भी नहीं पिया तां फिर उह है गल लग के सीरी दे जट रोवे। गल लग के उह अपने सीरी दे गल लग के जट है जो उह रोंदा है भाई, बोलां विच्चों नीर वगया ते इन्ने अथरू वगाए कि बोलां विच्चों भी पानी चल तुरिया। बोल सी जिहड़े दाणियां दी ढेरी विच्चों भी पानी तुर पिया भाई, इन्ना ज्यादा उह रोए। लिया तंगली नसीबां नूं फरोलीए, तूड़ी विच्चों पुत जगिया। हुण की है कि लोटू समाज ने इन्नी मेहनत करन तों बाद भी जिहड़ी उन्हां दी मेहनत दी लुट हो गई, उन्हां लई तूड़ी बची पई। उस समय दे दृश्य नूं ध्यान च रखदे अगली तुक, लिया तंगली नसीबां नूं फरोलीए, तूड़ी विच्चों पुत जगिया। लिया तंगली उह अपने सीरी नूं कहिंदा है, इत्थे सीरी नूं अपने बच्चे दे समान समझदे होए पुत जगिया शब्द वरत्या भाई, जगिया अपने सीरी नूं कहिंदा है पुत जगिया। लिया तंगली लिया अपनी किस्मत नूं फरोलदे हैं भाई, इह जिहड़ी तूड़ी है इस नूं फरोल लईए कि इस चों कुछ दाणे निकल जाण, इहनूं फरोल लईए। अगे की कहिंदा कि हुण उहनूं तां जिहड़े दाणे आ बहुत घट नसीब होए है, दाणे आ जो बहुत घट दाणे नसीब होए है, तूड़ी नूं फरोल रिहा इस तरीके का दृश्य है जो हैगा है। अगे की कहिंदा, साडे पिड़ विच तेरे गल चिथड़े नहीं, मेरी ये जवान कणके। अपनी जवान कणक नूं संबोधन करदे होए कह रहा कि मेरी जवान कणके, साडे पिड़ विच तेरे गल चिथड़े, साडे पिड़ विच साडे हिस्से तां जो भी आए उस नाल तां सानू सिर्फ ही कुछ कपड़े मिलणगे, लीरां वाले चिथड़े ही साडे बणनगे भाई। क्योंकि पहला की माहौल सीगा भाई, उस समय सामंत वगैरह होया करदे सीगे, लोटू समाज दे लोक, लोटू समाज दे लोक जो शोषण करदे सी, उस तो बाद बहुत कुछ घट बचदा सी। और जेड़ा भी घट बचदा सीगा फिर वह जेड़ा किसान बेचण जांदा उसनू मुल उन्ना नहीं मिलदा। तुसी वेख्या होगा
किसान कोई भी फसल कोई भी दाल बेच ले कुछ भी बेच ले उसनु जेड़ा रेट मिलना है वो लगभग अद्धा क रेट मिलना है, परंतु उसी नु बाद च कोई भी दाल है वो बाद च तुहानू आपां जदों लैके आने दुकान तो ता वो फिर की है कि दुगने रेट ते विकदी है। हुण कोई भी दाल लै लो भाई किसान उहनू अद्धे रेट ते दे देगा, और उही जिहड़े पूंजीवादी लोग है पूंजीवादी लोग किस तरीके नाल पैसा कमांदे है उस बारे गल करदे होए कवि कह रहे हैं कि पूंजीवादी लोग किस तरीके नाल पैसा कमांदे है उस संबंधी अगली तुक है भाई। वह कहिंदा साडे पैड़ विच तेरे गल चिथड़े नहीं मेरी ये जवान कणके, मेरी ये जवान कणके साडे हिस्से साडे पिंड विच भी जो मिलेगा सानू उस विचों तां बस लीरा टाली टप्पी आने हैगे है, ज्यादा कपड़े भी नहीं आ सकने, पर कल साहां दे गोदाम विचों निकले तू सोने दा पटोला बन के, परंतु कल नू जदों तू पूंजीवादी पूंजीवादी सेठां दे गोदाम दे विचों निकलेंगी तां तेरा सोने दा मुल पवेगा, सोने दा पटोला बन के कल नू जदों तू साहां दे गोदामां दे विचों निकलेंगी सेठां दे गोदामां दे विचों निकलेंगे तैनू सोने दे समान महंगा मुल मिलेगा। होर आ गल हुंदी भी है भाई किसान नूं इन्ना मुल नहीं मिलता, पूंजीपति है जिहड़े उह जिहड़ा मुल है वाधू वट लैंदे है भाई, वाहवा मुल है जो उहनां नूं मिल जांदा है भाई, दुगने रेट ते अगले चीज़ां बेचदे है। हुण उस तों अगे तू भी बन गया गमां दा गमंतरी ओ मेरे बेजुबान ठगिया, ओ फिर अपने ठगे नूं अपने बलद नूं संबोधन करदे होए कह रहे मेरे बेजुबान ठगे, अपने बलद नूं संबोधन करदे होए किसान कह रहे है तू भी बन गया गमां दा गमंतरी, कहिंदा तन्नू भी तू भी गमां दा गमंतरी बन गया, तन्नू भी गम है जो चिमड़ गया मेरे जवान ठगिया, क्योंकि उहनूं भी खाण पीण नूं इन्ना कुछ नहीं मिलिया, क्योंकि हुण किसान दा ही जिहड़ा बचे है उस चों किसान दा ही बहुत कुछ काम है जो मसा मसा चलेगा, तो उस लई सारा माहौल गमगीन है भाई, गल लग के सिरी दे जट रोवे। अगे अगली फिर जिहड़ी सत्र आ रही है साडा कुट्टी कुट्टी खून तेल पी गया ते खाद खा गई हड खार के, वह कहिंदे आ साडा कुट्टी कुट्टी खून तेल पी गया, हुण तेल है तेल दा रेट अजे वध रिहा उस समय ही वध रिहा होवेगा, ते कहिंदा साडा कुट कुट करके तेल है वह खून पी गया भाई, कुट कुट करके साडा खून है तेल पी गया, तेल दे भाव भी महंगे सी हुण तां बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, उहदी गल छड्डो भाई, तेल वास्ते भी तेल पाते है ट्रैक्टर वगैरह चलाते है तो उस विच भी काफ़ी पैसा खर्च होंदा है भाई, फिर पैसा आंदा कितों है, पहला पैसे किसान इधर उधर चक लैंदा है, फिर बाद जदों कणक हुंदी है तां वापस भाई उहनां दे पैसे मोड़ने हुंदे है तां मुल इन्ना मिलदा नहीं गा, तो उहनूं जिहड़ा मुल मिलदा उह घट मिलदा, और एक जिहड़ा पूंजीपति सेठ है वह उस तो दुगने पैसे कमा जांदा महीने के अंदर ही, जिन्ना छे महीने की मेहनत के विच वह कमांदा है भाई, ते खाद खा गई हड खार के, और खाद के उत्ते भी पैसे लगे है ये साड़ी हड खार के खा गई भाई, आडी खोरते यानी तेल के उत्ते बहुत खर्चा होया खाद के उत्ते बहुत खर्चा होया। बोले बैंक की तकावी बही अंदरों, कहिंदा अजे बैंक की तकावी बैंक की किस्त, तकावी माने किस्त, अजे बैंक की किस्त भी देनी है, बैंक की किस्त बही दे अंदरों बोलती पई है भाई बैंक की किस्त तू देनी है, बोल नूं खंगूरा मार के बोल नूं खंगूरा मारदी पई है, ओ खंगूरा मारदी दाणियां दे ढेर नूं खंगूरा मारदी पई है भरावा, इस चों बैंक की किस्त भी देनी है, हुण बोल ऐ करदे करदे पिछे बचेगा की भाई, देखो सानू बिजली झंझोड़ा इन्ना मारिया कि सदरां नूं लांबू लगे आ, वह कहिंदा हुण की है बिजली का बिल भी आ गया भाई, मोटर माटर चलाई होनी है घरे बिजली बिल्ली बली होनी है भाई, सानू बिजली झंझोड़ा इन्ना मारिया बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आ गया कि साडियां सदरां नूं साडियां इखियावां नूं लांबू लग गया, वह बल गईआं भाई, गल लग के सीरी दे जट रोवे, जट जिहड़ा किसान है सीरी दे गल लग के रोंदा है। फिर अगे की कहिंदा है, अगे कहिंदा है हुण आ जिहड़ा बंदा अपनी धी दे बारे है, धीए किहड़े नहीं पड़ोले विच डकलां मैं तेरियां जवान सदरां, वह कहिंदा धीए मैं किहड़े पड़ोले विच डक के रखा तेरिया जवान सदरां, तेरिया जिहड़ियां सदरां सी बई सोचिया सी इस बार वधिया सब कुछ होवेगा, धी नूं किसे ढंग दे घरे व्याहवांगे उहदे चा
जिन्हें भी चाह है वह पूरे करांगे। वह कहिंदा हुण किहड़े पड़ोले च मैं ढक के रखा तेरिया जिहड़िया जवान सदरा उहनू कित्थे ढक के रखा। वड खाणियां ससां दा रूप धारिया है साडियां समाजी कदरां। वड खाणियां जिहड़ी समाजिक कदरां कीमतां है उन्होंने ससां दा रूप धार लिया वह वढ़ रही है लगातार। भाई ती जवान हो रही है, बई ती जवान हो रही है, कुछ करो। और इधर जिहड़ा है उसनू उन्दे मेहनत का पूरा मुल ही अजे नहीं मिलिया। भाई धीए किहड़े नजूमिया नू पुछ लां, वह कहिंदा मैं किहड़े नजूमिया नू पुछां, मैं किहड़े वेदां नू पुछां कि चन्न नू सराप लग्या, मेरे सोहणे चन्न नू सराप लग गया, मेरे सोहणे चन्न नू सराप लग गया, मैं किहनू पुछां। गल लग के सीरी दे जट रोवे, गल लग के सीरी दे जट रोंदा है। भाई अगे सुके जान ना बोला ना मार मगरा, जो मारदे ने जांदे चांगरा। कहिंदा सुके जान ना बोला ना मार मगरा, हुण की है कि जिहड़े बोल है वह भी ताने मारदे है। भाई कहिंदा सुक्का ना चला जावे, जो मारदे ने जांदे चांगरा। और यह की है कि चांगरा मार रहे है। भाई हुण अखीरले बंद दे अंदर सुके जान ना बोला दा मार मगरा, जो मार दे जांदे चांगरा। जट अपनी सारे साल दी मेहनत दी लुट हुंदी देख के जागृत हुंदा होया जोश विच आ जांदा है। ओ ललकार उठदा है कि जेड़े साहूकार ते सरमाएदार उस दे बोला नू पिठ उत्ते चुक के खुशी दियां चांगरा मारदे ने, अज सुके नहीं जाने चाहिए, जो मारदे ने जांदे चांगरा। जेड़े वो सुके नहीं जाने चाहिए। भाई ना जान दो सुका है, घेर लो भाई, सुके जान ना बोला दा मार मगरा। आ जेड़े मेरा बोल लुट के लै गए ये सुके नहीं जाने चाहिए। साहूकार भाई उन्होंने ललकार पाई है, साहूकार ते सरमाएदार बोला नू पिठ उत्ते चुक के खुशी दियां चांगरा मारदे हुए जांदे ने, अज सुके नहीं जान देने। अगे की कहिंदा अज झखड़ा ने तूड़ी नू बखेरिया। वो कहिंदा है कि अज क्रांति दे झखड़ा ने तूड़ी नू खेतां विच बारूद वांग खलार दिता है। भाई खेतां च बारूद वांगरा अज झखड़ा ने तूड़ी नू बखेरिया, झखड़ा ने तूड़ी नू बखेरता है खेतां च बारूद दे वांगू। क्रांति पैदा हो गई है, किसान है हुण जाग चुके है। भाई हुण साडिया ही हाथां ने है चोणवां, जो मेहनतां नू माखू लग्या। कहिंदा हुण साडे हाथ है ओही चोणगे, जिहड़ी मेहनत असीं कीती है उसका जिहड़ा सहद हैगा वह असी खुद कढ़ांगे, हुण कोई दूजा नहीं लिजा सकेगा। भाई कोई दूजा नहीं लिजा सकेगा। क्रांति च आउण नाल उन्हां दी मेहनत नू जिहड़ा फल रूपी माखो लगेगा, हुण उन्हां दे हथ उन्हें अलावा कोई नहीं लगाएगा। भाई देखो किस तरीके नाल किन्नी सोहणी बयानबाजी है जो वह कीती है भाई संत राम उदासी ने। बड़ी ही प्यारी कविता, बड़ा ही प्यारी रचना, बड़ा ही प्यारा गीत। भाई शुरुआत किवें कीती है एक बार फिर विषय वस्तु दे उत्ते गौर कर लिए। शुरुआत किद्दां कीती है, शुरुआत कीती है शुरू शुरू विच गल कीती भाई वह रो रहा है बोल नू देख के, क्योंकि सरमाएदार साहूकार लोग है जो ओ की कहिंदे है कि तूड़ी दी पंडा चक के लजा रहे ने, उन्हूं वो रेट नहीं मिलिया जिहड़ा रेट साहूकारां नू मिलदा है। क्योंकि किसान अक्सर पैसे लैंदा रहिंदा और अखीर च वह लोग है जिहड़े लै जांदे है। पुराने टाइम च एवें बहुत हुंदा सी भाई प्याज ब्याज लगदा रहिंदा सी, उन्हां दे पल्ले बहुत घट रहिंदा सीगा। फिर कणक नू संबोधन करदा है भाई साडे नू तां कुछ नहीं मिलना, पर तू जदों गोदाम च निकलेंगी तां उन्हां नू दुगणा मुल मिलेगा। फिर अपने खर्चे बारे गल करदा है, खर्चे बारे गल करदा भाई कैवें तेल का खर्चा, खाद का खर्चा, बैंक की किस्त, बिजली, इन दे बारे गल करदा। फिर अपनी धी राणी बारे गल करदा, धी दीआं सधरां उहनूं विआहणा है उस बारे गल करदा। फिर कहिंदा भरावा हुण सुक्के ना जाण देण, आ सरमाएदार ये साहूकार लोग है सुक्के ना जाण दो, अपना हक है असीं लै के रवांगे, साडा हथ हक इत्थे रख वाली गल है जिहड़ी आ गई। किस तरीके नाल तरतीब बारे जिहड़ी जिहड़ी रचना है चली है सीरी ते चट दी सांझी विथिया दे नां जिहड़ी गल है
शुरू शुरू च थोड़ा रोना धोना, फिर उस साहूकारां दी गल, फिर खर्चे दी गल, फिर अपनी धी दी गल, और फिर अखीर विच इंकलाब जिंदाबाद हो गया भाई, इंकलाब जिंदाबाद हो गया भाई। हुण केंद्री भाव की गल करिए, जो केंद्री भाव लिखना है तो सिंपल जी गल, बिल्कुल केंद्री भाव उन आप की लिखा, खेतों में सख्त मेहनत करके भी छोटा किसान है उसके पल्ले कुछ नहीं पैंदा, क्योंकि तेल खाद के खर्चे, बैंक की तकावी, बिजली के खर्चे, उन्होंने अपने जवाक भी ब्याने ब्याने है उनके खर्चे, सिट्टे वजो साहूकार सरमाएदार उन्होंने लुट करते, उन्होंने कुछ नहीं बचता। परंतु हुण उन्हें क्रांति का बिगुल बजाता है भाई, वह अपनी मेहनत का फल है खुद लवेगा भाई। आ है इन्नी जी गल है। धन्यवाद साथियों।